नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर के दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बंसीधर भगत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अवगत कराया कि किसान भुखमरी के कगार पर है और फसल का मूल्य न मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बेचने के 10 दिन के भीतर यदि भुगतान नहीं किया गया तो उस अधिकारी या जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गैरसैंण कमिश्नरी रद्द किए जाने के फैसले पर कहा कि इस फैसले से खासकर अल्मोड़ा की जनता और प्रतिनिधियों में नाराजगी थी और इसी नाराजगी को देखते हुए गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला स्थगित किया गया। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। आग्रह किया कि ये किसानों की ज्वलंत समस्या है, किसान भुखमरी के कगार पर है। एक और किसान आंदोलन से प्रभावित है, दूसरा उसको ये उसकी कीमत नहीं मिल रही, तो इससे बहुत नाराजगी बढ़ रही है। तो हम आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सबको एक भाषा में बोल के सचिव को कह दिया कि आप इसका प्रस्ताव लाइए, मैं विचलन से इसको सूचित कर रहा। दूसरा, एक गेहूँ के रेट के साथ 20 रुपया हमने कहा था हम बोनस देंगे, क्योंकि तो उसकी तुलाई का खर्चा, पल्लेदारी का खर्चा 20 रुपया किसान पर पड़ता है। भारत सरकार ने अपना रेट रख दिया और तुलाई का खर्च जो है वो किसान देता है, तो प्रदेश सरकार ने उस तुलाई के खर्च का 20 रुपया बोनस किसान को देने का कैबिनेट में कल फैसला कर लिया है। जनता का दबाव, जनता की मांग है, विधायकों की मांग है कि ये गलत हो गया है। अल्मोड़े वाले बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसको संशोधन होना चाहिए। तो परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संशोधन कर दिया। अकेला यही निर्णय नहीं है, कई ऐसे निर्णय हैं जो त्रिवेंद्र सरकार के बदले गए, तो माना जाए कि पहले के सभी निर्णय गलत हो गए थे। देखिए, जो भी निर्णय बदले गए हैं उस समय भी उनमें विवाद हुए थे और किसी कारणवश उस समय उनको संतुष्ट करके वो कर दिए गए। अब फिर नए सिरे से मामला उभर रहा था तो उस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो जो ठीक लगा वो किया। तो सर, कमीशन FIR तक कराने की बात कही है। मैंने गेहूं की खरीद में, पेमेंट में किसी प्रकार को किसान को प्रताड़ित किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR होगी, ये बात कही है। FIR सख्ती नहीं करनी, जो इस तरह की हरकत करेगा कि किसान को गेहूं तुलाई में परेशान करेगा, उसकी ट्रॉली को रोकेगा या किसी प्रकार की कोई उसको प्रताड़ना करेगा, या पेमेंट अधिकतम 10 दिन की लिमिट रखिए, कुछ दिन के अंदर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ, या फिर वो पेमेंट के मामले में सरकार पर आरोप लगाएगा कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो हम उसके लिए हम दोषी होंगे, फिर हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। सर, जैसे धान की लिमिट